तो गाइज दिस इज़ द न्यू पार्किंग ऑफ BMW, हमारे आपके भाई के डॉलर, और हमारी दूसरी पार्किंग है उधर सामने। मेरा स्कूटर खड़ा है और लेंसर खड़ी है पीछे, वो लेंसर मेरे विपिन भाई की है, दोस्त की है। तो आज हम जा रहे हैं BMW मोटराज शोरूम, आपको कुछ नया दिखाते हैं। और ये इसकी चाबी है जो सिर्फ डब्बे खोलने के काम आती है और इसका कोई दूसरा काम नहीं है। हाँ, सीट वगैरह भी आप खोल सकते हो। गाड़ी का टेम्परेचर 52 हो चुका है और अब हमारी पार्किंग है ये जो आपको दिख रही है, और पहले से तो काफ़ी बेटर है क्योंकि अब धूप बारिश कुछ भी नहीं लगेगा, हमारे डॉलर को चमकता रहेगा हमेशा। सो ये आई वांटेड टू जस्ट शो यू हाउ द पार्किंग लुक्स, बहुत बड़ी है, ऑलमोस्ट 1000 घरों की पार्किंग है ये। As you can see, so big. अब हम एग्जिट लेते हैं, एग्जिट यहाँ से है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। और आज है चमचमाता हुआ धूपों वाला दिन, and this is my society, guys. My first day out from the society. Yeah. अब आपको मिलते हैं सीधा हाईवे के ऊपर और लेके चलता हूँ BMW शोरूम, एंड होप विल सी अ न्यू बाइक जो रहते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हो, एक एरर मैसेज आ रहा है मेरी बाइक के अंदर और कुछ दिक्कतें हैं, जैसे ऑक्स केबल कट गया था मेरा और वगैरह वगैरह, सो मेनी प्रॉब्लम्स आर देयर विच नीड टू बी फिक्स्ड। और उसी के लिए मैं जा रहा हूँ आज BMW मोटराज, क्योंकि बहुत दिनों से मैं हाउस शिफ्टिंग में बिजी था और साथ में मेरे को हो गया था एक बैक इंजरी। आई एम एक्साइटेड टू सी R18। अभी तक मैंने उसको सिर्फ सोशल मीडिया पे ही देखा है। अभी बहुत भीड़ हो रखी थी यू नो मोटराज पे, क्योंकि नई बाइक लॉन्च होती है तो लोग पगला से जाते हैं इन्फ्लुएंसर्स। तो मैंने सोचा पहले भीड़ साफ होने दो, उसके बाद आपका भाई जाएगा, वैसे भी मैं बिजी था। तो लेट्स गो टू BMW मोटराज। माय गॉड गाइस, मेरा बस चले तो BMW की सर्विस के लिए भी मैं स्कूटी पे आऊँ, लेकिन इतना ट्रैफिक गाइस, इतना ट्रैफिक, दिमाग का दही हो गया यहाँ पे। एंड लग ही नहीं रहा यार, कोरोना हर रोज़ इतना बढ़ रहा है, नंबर 1 पे आके मारेगा अपना इंडिया। एनीवेज गाइस, R18 के बारे में हम बात करेंगे। क्या BMW R18 हार्ले डेविडसन को रिप्लेस करेगा? क्योंकि ऐसी न्यूज़ मैंने देखी है बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे, मैगजीन्स में, दैट बहुत जल्दी हार्ले डेविडसन इज़ गोइंग टू टेक ऑफ सम ऑफ हिज बिजनेस फ्रॉम इंडिया। तो BMW अपनी R18 के साथ हाजिर है, तो देखते हैं क्या बाइक में दम है कि नहीं। दिखने में तो बहुत मस्त लग रही है, लेकिन इंजन, जो इंजन पार्ट है, दैट इज़ सो गुड, बट इज़ इट गुड फॉर दीज कंडीशंस? एनीवेज, मेरा भी बॉक्सर इंजन है, उसमें भी थोड़ा इसके बड़े पापा टाइप, पापा के भी पापा आ गए हैं, तो मतलब दादा आ गए हैं, दादा टाइप बॉक्सर इंजन आ गया है। तो ट्रैफिक से निकलते हैं और आपको मिलते हैं सीधा BMW शोरूम के अंदर। सो गाइस, फाइनली आई एम हियर एट BMW मोटराज टस्कर्स, एंड लुक एट द मशीन मैन, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल मशीन इन फ्रंट ऑफ मी राइट नाउ, एंड दिस इज़ द फर्स्ट एडिशन, एंड आई एम मेक यू श्योर दैट BMW ने इसको अपना बेस्ट दिया है। एंड डोंट गो बाय माय हेयर सेल, इसको बार बार निकाला हूँ डालूँ तो हेयर सेल खराब हो गया। तो लेट मी शो यू दिस बाइक क्लोजली एंड लेट मी नो योर थाट्स। So guys, this was the first look of the bike. Even I was like amazed. This is the bike, you know, which the more you see, the more you want it kind of bike. And this is the raw bike which you see right now. But it has so many
इक्विपमेंट्स, इसमें आप विंडशील्ड लगा सकते हो, इसके टायर्स को 21 इंचेस कर सकते हो फ्रंट टायर को, एंड बैक टायर को भी आप चेंज कर सकते हो, इसके एग्जॉस्ट सिस्टम को आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पे कैप्स लगा सकते हो, टैंक चेंज कर सकते हो, हैंडल बार चेंज कर सकते हो, एंड सो मच स्टफ यू कैन डू इन दिस बाइक. सो दिस इज रॉ बाइक, द कंपनी OEM बाइक, बट यू कैन एक्चुअली कस्टमाइज इट बेस्ड ऑन योर नीड्स. So guys, now I have John with me, who knows this bike more than me, for sure. And he has the beautiful key, can you show us? So this is the key, and now John is going to explain us about the bike. Yeah. Hi guys, good evening. Welcome. Welcome to Tusker BMW Motorrad. So what we have here is BMW's first go at the biggest boxer engine they've ever made, the 1800cc boxer twin, which is also called R18, the first edition, is what you see here. So it's going after the cruiser market, as you see, and it also has a lot of tech on it. Being a cruiser, you get rider modes, a keyless ignition, and traction control. So let me just show you the modes. You got rock, rain, and roll. Coming down to the teardrop shape tank design with the fishtail exhaust and also the exposed drive shaft that you can see on the well. It's something you got to see in person to, you know, admire and, you know, crave to have one, you know, soon enough. So it's something I would say to physically come down and have a look at it, because it's something else in person. Yes. So you can ask about it, all about it. So now the audience want to listen to the bike. Let's go with it. Ready? इसके मैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में अभी उतना नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने उसको अभी तक स्टडी नहीं किया अच्छे से, बट इट इज़ अ प्योर क्रोम बाइक विच नीड्स अ लॉट ऑफ केयर एक्चुअली, एंड आई एक्चुअली लाइक दिस काइंड ऑफ स्टॉक एग्जॉस्ट. एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग आई रियली लाइक इज द शाफ्ट सिस्टम. उसका शाफ्ट बाहर से आपको घूमता हुआ दिखेगा. आई जस्ट शो इट टू यू हियर, इफ यू सी दिस शाफ्ट सिस्टम. So it comes from here engine and goes into the back wheel. So this is also amazing. Abhi ye charging pe lagi hui hai bike, and overall it's amazing bike. Iske indicators looks like this, and too many BMW logos in this one, and then two on the tank sides and one on the engine. So four BMW logos on this bike. And what other thing I've noticed is the indicators are also quite stylish. So what I want to say is BMW has given its best to this bike, and it's gonna kill the market. So abhi hum niche chalte hain, apni bike click karte hain, bike mein kya problem tha wo main aapko baad mein bataunga. So see you on the road. So guys, this is F900 sports, amazing looking bike, 13 lakh ki on road hai shayad, aur bhari padi hain bikes yahan pe travelers ki. वो आर है 1000 टू 2020 बेस मॉडल, और ये दिल्ली की बाइक है. सो मेनी थिंग्स, नाउ टाइम टू लीव BMW मोटरांड. वेयर इज इट? देयर. सो गाइस, डॉलर इज बैक. वेयर इज द की? की इज इनसाइड. सो आई नीड टू टेक द बाइक नाउ. देयर वाज एरर आल्सो, जो उन लोगों ने बोला है कि उन्होंने ठीक कर दिया है. Oh, finally. थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं बाइक को. I hope it is hot. No, 32 degrees. वहाँ से ट्रैफिक जाएगा तो हम वहाँ निकलते हैं. विधानसभा ऑन माय लेफ्ट हैंड साइड. बहुत बड़ा है यार, इंडिया का झंडा लगा है ऊपर. सो गाइस, आई होप आपको R18 भी पसंद आई होगी. अगर आप क्रूजर लवर हो तो एक बार देखो, इट कैन बी कस्टमाइज ब्यूटीफुली. तो मैं तो अभी नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, और जैसे कि आपने आज सुबह मेरी पार्किंग देखी, अब आपको दिखेगा मेरा घर. सो लेट्स जंप इनटू माय हाउस
हो सकता है पल्लवी ने अभी तक थोड़ा बहुत क्लियर कर दिया हो, क्योंकि कल मूवर्स एंड पैकर्स ने मेरी ले ली है अच्छे से। उनकी उनका ट्रक ख़राब हो गया था, 6 घंटे तक उनका एक्सल जो था वो टूट गया था, तो इट टुक 6 आवर्स। पोपली किस्मत है मेरी बहुत बड़ी। Hey guys, what's up? Welcome to my new house. This is my new world, you can say. This is the new BLV Zilla, and the house is completely set. Not completely set, but yeah, kind of set. And this hairstyle and haircut goes to the credit goes to Urban Clap. और उन्होंने पूरा ये जो मेरा कारपेट है और वो जो मेरा सोफा है उसको अच्छे से क्लीन किया उन लोगों ने। आई एम रियली सेटिस्फाइड विद दिस सर्विस एंड दिस इज़ हाउ आई एम डेकोरेटिंग माई हाउस। अभी थोड़ी थोड़ी चीज़ें आएंगी क्योंकि मेरे पास वहाँ पे रखने के लिए कॉफ़ी टेबल नहीं है, तो कॉफ़ी टेबल आएगी। ये डाइनिंग टेबल जो मेरा कंप्यूटर टेबल था उसको मैंने अभी एक्चुअली मैं वो डाइनिंग टेबल था, मैं उसको कंप्यूटर टेबल की तरह यूज़ कर रहा था। अभी इसकी चेयर्स नहीं है। सो किचन इज़ ऑल्सो सेट एंड द हाउस इज स्टिल मेसी ऑन दिस साइड। If you see, this will be my office area and studio. तो इसका भी डिज़ाइनिंग और बाकी सब चालू है, चालू है, चालू है। So guys, yes, अभी यहाँ पे होने वाली है बहुत ज़्यादा मस्ती, क्योंकि ये जो सोसाइटी है इतनी मस्त है। यहाँ पे है यू नो स्विमिंग पूल है, जिम है, टेनिस कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट है और क्रिकेट का भी एक प्रैक्टिस एरिया है। सो ऑल दोज एक्टिविटीज़ आई नीड टू डू। ये जो आ गया है ना पेट, इसको बहुत कम करना है। पूरा लॉकडाउन मैंने बहुत ठूसा है पेट के अंदर। और यस, आई वांट टू शो वन वेरी स्पेशल प्लेस टू यू। सो गाइस, दिस इज़ द सोफा विच इज़ गेटिंग ड्राई। मैं आपको लेके चलता हूँ बाहर। लुक एट दिस व्यू, लुक एट दिस व्यू गाइस। सो यहाँ पे नीचे पूरा सोसाइटी दिख रहा है। एंड अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो करते हो तो मैंने आपको शेयर किया था यहाँ का सनसेट का एक स्टोरी, जो शाम को देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। यहाँ पे नेट वगैरह दिया है फॉर सेफ्टी रीजंस, क्योंकि ये तो कबूतर आ जाएंगे ना, और वहाँ पे चिड़िया रहती है। आपके भाई के पास पेट है, अभी चिड़िया रहती है, उसने अंडे वगैरह दिए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो अभी हम उसको हटा नहीं रहे हैं क्योंकि आई डोंट वांट टू डिस्ट्रॉय समबडीज हाउस। अपने घर को सजाने के चक्कर में मैं उसका घर नहीं उजाड़ सकता। एंड टॉकिंग अबाउट दिस व्यू, दिस इज़ अमेजिंग, मेस्मराइजिंग। सोफ़ा भी यहाँ पे ड्राई हो रहा है, तो आज शाम को मैं शायद यहीं पे बैठूंगा, मस्ती करूंगा और आपके लिए व्लॉग एडिट करूंगा, जो बहुत दिनों से नहीं आया है। सो दिस इज़ इट, विश मी लक फॉर दिस न्यू हाउस एंड आई होप आई मेक मैनी मोर वीडियोज़ फॉर यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन लव यू, टेक केयर, बाय बाय एंड लिव हैप्पी।